Good afternoon, students. Today we have to study lesson 2 for BCA, BSc second year or BCom second year, first year. Sorry, BCA, BSc, BCom first year. Lesson 2. The lesson 2 standard is the ideas of Indian art. Bharati Kala ki Adarshata. अब हमको इसके राइटर्स हैं के भारत अय्यर है, इनके बारे में हमको स्टडी करना है। भारत के अतीत के बारे में भी हमको पढ़ना है, समझना है, तो ये उनकी कलाओं को जानना होगा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन आर्ट बी इट इज कल्चर पेंटिंग डांसिंग। यदि हमको भारत की कलाओं को समझना है, जानना है, तो वहाँ पर बनी हुई पेंटिंग को, डांसिंग को उनको देखना है, क्योंकि वही जो है प्रेजेंट्स करते हैं भारत के अतीत की कलाओं को, वही दिखाते हैं। आज भी कई जगह पर जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में महिलाएं उठ जाती हैं, घर के आंगन की लिपाई करती है, पुताई करती है, उसके बाद घर के आंगन पे घर के आंगन पर दीपक जलाती हैं सुबह सुबह और शाम को दीपक जलाते हैं, यहाँ तक कि चावल के आटे से भी रंगोलियाँ बनाए रहते हैं। तो ये हमारे भारतीय कलाओं की विरासत, ये भारतीय कलाएँ जो उनको विरासत में मिली हुई है। द ब्यूटीफुल रंगोली डिज़ाइन ड्रॉन बाई हिंदू वुमेन एवरी मॉर्निंग, ऐसा कहा जाता है, देखने को मिलता है कि भारतीय महिलाएं जो है सुबह सुबह घर में, घर के सामने या आंगन में जो है ब्रह्म मुहूर्त में रंगोलियां बनाए रहते हैं। एंड द थ्रोशोल्ड ऑफ देयर होम्स हिड वेरी ग्रेट पैटर्न्स ऑफ द पॉट्स ऑफ द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स एंड लैम्प्स द ब्यूटीफुल गार्लैंड्स विद व्हिच द हाउस होल्ड डेडी एंड एडॉर्न्ड। और तो और कुछ महिलाएं जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फूल वगैरह तोड़ के ले आते हैं और पूजा वगैरह करते हैं, माला बना करके प्रभु को या भगवान को जो है अपने इष्ट देवता को माला वगैरह बना करके पहनाते हैं। The past has been a great one, stretching the immense expanse of during the period of great many events took place which have the left their indelible presence of the Indian culture and its character. इससे भारतीय कला के साथ भारतीय कला के साथ उनके चरित्र को भी दिखाता है। Many tribes and races such as Aryan, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है भारत में आकर के रहे, बसे, निवास किए और अपनी अपनी कलाओं को छोड़ के चले गए। उन्हीं में से आज उन्हीं की कलाओं को देख करके आज नए नए जनरेट होती जा रही है और कलाएं जो है, जैसे मिनी ट्राइब्स में क्या क्या है, कई कितने प्रकार की जातियाँ के रहे, जैसे आर्यंस लोग आकर के रहे, प्रतिहांस लोग आकर के रहे, ग्रीक्स के लोग, शैकस लोग, कुसांस लोग, हंस लोग, तुर्कीस लोग एंड मंगोलियस लोग, इतने लोग आकर के रहे और यहाँ पे अपने घर बनाए और घर बना करके अपनी कलाओं को यहाँ विकसित किए। दे ब्रॉट विद देम देयर इंडिजिनियस कल्चर्स, वे अपने साथ अपनी कलाएं लाए एंड देन मोस्ट ऑफ द रेसेस ऑलरेडी हियर, और यहाँ पे आकर के छोड़ के चले गए। द मिंगलिंग ऑफ द रेसेस एंड कल्चर्स एंड देयर एब्जॉर्बर्स इनटू दैट वे बी कॉल्ड द मेंटेनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन प्रूव टू बी द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस व्हिच विद मेनी पॉसिबिलिटीज द मेनस्ट्रीम, ऐसा कहा जाता है कि उनकी कलाएँ जो आज छुटी हुई है उनकी कलाओं को देख करके और जो है हिंदू जो है नए नए कलाएँ विकसित करते जा रहे हैं। द आर्ट्स इन दिस वे वेयर इंट्रिगल to like they were not luxurious and they were never seen until recently is isolation from life and as either individual accomplishment expression personal idiosyncrasy, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी कलाएं जो भारत की विरासत के रूप में आज भी विकसित है और नई नई परंपराओं को जन्म दे रही है। The main interest of the Indian artist, it will be noticed, is the human form. It was an uncertaining source of the creative joy, और इनकी कलाओं को देखकर के नए नए क्रिएटिव विचार उभर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि भारत में कलाएं, भारत की संस्कृतियाँ आज भी विद्यमान हैं और उन संस्कृति की वजह से आज भी कुछ आध्यात्मिक चीज़ें विद्यमान हैं जिनकी वजह से लोग जो है आज परस्पर उन्नति के शिखर पर हैं। इंडियन आर्ट रिमेन कलेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द रेसिकल एक्सपीरियंस, वाकई में कहा जाए तो कोई गलत नहीं है कि भारतीय कलाएँ जो है मनुष्य को एक अच्छे रास्ते की ओर ले जा रही हैं। उनको विरासत में मिली हुई कलाएँ, उनकी संस्कृतियाँ जो है उनको अलग राज्यों से, अलग संस्कृतियों से उन्हें अलग करती है, और यही वजह है कि भारत की संस्कृतियाँ, भारत की कलाएँ जो है अपने आप की चरम सीमा पर पहुँच रही है और लोग जो है दिन-दिन राज्यों में तरक्की कर रहे हैं। इस तरह से आपका द आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। थैंक यू।